होते वो नहीं बता सकते। मेरा ब्रेकअप हो गया, चार दिन बर्बाद कर, ये कोई नहीं बोल रहे आ ही नहीं पा रहे। हम क्यों रुके? गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नए दिन की शुरुआत में। तो आज है 4 तारीख, यानी कि कल 5 तारीख से छठ पूजा का शुरुआत होने वाला है। कल है नहाए खाए, कल सुबह सुबह हम लोग सब लोग जाने वाले हैं गंगा। कल से आप लोगों को ब्लॉग्स में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और काफी सारा डिमांड भी आ रहा था छठ पूजा का ब्लॉग चाहिए, छठ पूजा का ब्लॉग चाहिए। तो भाई छठ पूजा का ब्लॉग कल से आ जाएगा चैनल पे, एंड हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट के साथ साथ ना बहुत ज्यादा हमको रोना भी आ रहा है कि बस छठ पूजा तक है। और रात होता है ना, जब सुबह से तो फर्क नहीं पड़ता, जब रात होने लगेगा भाई उल्टा गिनते गिन रहे हैं। अब तो 4 ही दिन हो, अब तो 3 ही दिन हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। खैर चलिए साथ मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आज का मेरा ये प्लान है कि अभी हमको दादी के साथ बैंक जाने का है, अभी हमने कौन शैम्पू कर लिए, कल फिर गंगा जी में नहाएंगे, वापस सबको करना पड़ेगा। खैर कोई ना, अभी तो ये 4 दिन का सिलसिला में शैम्पू वगैरह ही होता रहेगा। तो दादी के साथ अभी हमको बैंक जाने का है, उसके बाद फिर थोड़ा सा हमको और निकलना है, दोस्तों लोग से मिलना, और भी थोड़ा थोड़ा सा काम है। तो चलिए साथ मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, जहाँ जहाँ चलेंगे आप लोगों को लेके चलेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, गुड मॉर्निंग मम्मा। अभी जा रहे गाइस हम नीचे, पहले दादी पापा को नाश्ता करवाते हैं, नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर दादी को बोले आके रेडी होंगे, फिर हमको निकालना पड़ेगा दादी का पासबुक वगैरह। हमको भूख लग रहा है, चलो पहले करवा देते, उसके बाद क्या अच्छी बच्ची की तरह। सुनिए 360 रुपया देगा एक कस्टमर, उसको दे देना, हमको तुम ज्ञान मत दो। क्या बोले रहे? हम आए थे 2 मिनट के नाश्ता करवाने के लिए दादी लोग, ना कि हम तुम्हारे साथ दुकानदारी करें। ओके, नगनी कटा दे। अरे रुको ना, हम क्यों रुके? झालमुड़ी ला रहे हैं मिलने को, उभरता मुड़ ला रहे। झालमुड़ी मतलब हम नाश्ता करेंगे घर जाकर, वो कचरी ले जाओ, कचरी। यस ओके, अभी जानते हो नहाने के लिए गए थे तो कुछ कपड़ा भी धोए थे, और गुड़िया का भी साथी में कपड़ा है, चलिए इसको दे देंगे हम लोग धूप में। और भाई क्या बोले यार, मेरे कॉलेज का तो गजब कहानी है। नॉर्मली जो क्लासेस होता था, 1 दिन में 3, 1 दिन में 4, 1 दिन में 5, आप लोग देखते ही थे भाई, 7 क्लास 8 क्लास ऐसे हो रहा है, तो दिमाग खराब हो गया। जब रूटीन देखें कितना क्लासेस मेरा मिस होगा, हम 20 से 25 क्लासेस सोच के आए थे कि चलो मेरा मिस होगा उसको मैनेज कर लेंगे, 40 क्लास मिस होगा तो मेरा क्या होगा यार, कैसे होगा, कैसे एग्जाम देंगे। हाय, मेरे सब्सक्राइबर चिल्ला रहे हाय दीदी, हाय बताइए। व्लॉग्स बनाते बनाते उसको दिखे, बोलता है हाय दीदी। 20-25 क्लास तक तो फिर भी मैनेजेबल था, वैसे मैनेजेबल नहीं था बट फिर भी कर लेते, क्योंकि स्टार्टिंग से अपने अटेंडेंस को अच्छा करके रखे थे। लेकिन अब ये जो मेरे साथ होएगा 40-45, भाई हम क्या करेंगे यार, कितना टाइम निकालते फिर भी नहीं पढ़ाई कर पाते, देखो कैसे होगा, मैनेज तो करना ही पड़ेगा किसी तरह। यहाँ से जाने के बाद खाना पीना सब छोड़ के पढ़ाई करने बैठना होगा। दिसंबर में अपना फाइनल एग्जाम है ना, इसलिए इतना हड़बड़ करके लिया जा रहा है, कोर्सेस वगैरह कंप्लीट कराया जा रहा है। अभी भी दिमाग थक गया, लोगों का चालान देख के हमको अपना दिन याद आ रहा है, कैसे मेरा चालान लगा था यहाँ आने के टाइम पे। बाकी दाई अभी क्या कहते हैं, दादी का तो काम नहीं हो पाया आज, दादी का काम कल होगा, क्योंकि वो जो एक फॉर्म लेके आने का तो बोले भीड़ है, हाँ मतलब एक फॉर्म हम लोग लाना भूल गए थे, दैट्स व्हाई हुआ नहीं काम, तो चलिए हम लोग चल रहे हैं। अभी बूढ़ानाथ मंदिर जाने लगे हमको ना, अपना HDFC बैंक जाने का था, सोचे पहले वहीं जाएंगे, उसके बाद फिर स्कूटी था, सोचेगा कि मौसम भी देखो ना कितना अच्छा, मौसम भी बढ़िया हो गया, तो फिर सोचे कि ना चलो पहले चाय पीने जाते हैं, और रास्ते में पड़ गया मंदिर, बोले नहीं पहले मंदिर चलते उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। पानी कैसा सूख गया, कितना भरा हुआ था जिस टाइम हम गए थे ना, पूरा फुल था, पूरा भरा, पूरा खाली खाली हो गया, बताइए ये सब में पानी था सीढ़ी तक में। गाइस अभी हम आ चुके हैं बूढ़ानाथ मंदिर, और यहाँ अपने फेवरेट वाले प्लेस में, और साथ ही में देखिए यहाँ मेरे हाथ में मौली बन गया, कितने टाइम के बाद मेरे हाथ में दिखता होगा, कितने टाइम से हम सोचे थे यहाँ से जाने के टाइम में हम भूल गए थे, और अभी आए तो संजोग से हमको याद आ गया, और भैया बने यहाँ खतरों के खिलाड़ी के प्रयोग। बैंक का 50% काम हुआ, और उसके बाद इतना जोर का भूख लगा, मतलब मेरा HDFC वाला काम हो गया, अभी हमको एक और बैंक जाने का दादी के काम से, तो उधर चलेंगे, बट उसके पहले हमको तो जोर का भूख लगा था, अभी अभी आ गए हैं खाने के लिए, और अभी हम लोगों को वेज ही खाना खाना है, तो वेज में डोसा के सिवा ना कुछ और समझ में नहीं आता। हाँ कितना सुंदर लग रहा है मेरा, वो देखो आप लोग टीका वर हाँ, अपना सीट ही चेंज कर लेगा इस, पता है मेरे कॉलेज में ना 30 रुपये से डोसा स्टार्ट हो जाता है भाई, और यहाँ कितना महंगा, यहाँ का नॉर्मली कोई भी रेस्टोरेंट में यही प्राइस होता है 100 रुपये 150 रुपये ऐसे, और मेरे कैंटीन में तो खाना इतना आपको सस्ता लगता है ना, सस्ता भी ऊपर से टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा होता है। उल्लू का नाक नहीं लग रहा, आँख, और ये नाक
है, दो दो मिनट में यहाँ पता चलता है कॉलेज में। आज पता है हम लोगों का जर्मन का इंटरनल्स है, ये पता नहीं था। अभी क्लास में नमीरा गई तो बोल रही क्या कि आज इंटरनल्स था। बताइए अब हम लोगों का क्या होगा, नहीं पता। बाकी आज सुबह से तो बस ये बैंक वो बैंक, तीन बैंक अभी तक जा चुके, बैंक 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 करके ही परेशान है। अभी फिलहाल आए थे मॉल, सोचे अपने लिए कुर्ती वगैरह देखते हैं, बट ऐसा कुछ पसंद नहीं आया। तो अपने फ्रेंड के साथ आए तो उसको काफी सारा कुछ पसंद आ गया, तो वो ले रहा है फिर चलेंगे। तो हम आ गए चाय पीने, पता नहीं यार हमको ये दुख सता रहा है अपने एक दुख के वजह से। पता है अपना चीज चार दिन बर्बाद कर लेंगे कि हम फिर यही कोलकाता चले जाएंगे, फिर हमको मन नहीं लगेगा। इस दुख में हमको लग रहा है कि हम अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, हमको दुख हो गया था। जाने के बाद बहुत सारा पढ़ाई करना होगा। जब कॉलेज वाले ग्रुप में नोट्स वगैरह आता है ना, तो लगता है क्या क्या पढ़े हैं हम लोग यार, कुछ पढ़े ही नहीं है। अभी यहाँ से जो जाएंगे, पहले तो सोचे क्या कि अरे पढ़ लेते पर देखो, लेकिन ना नहीं हो पाएगा यार। अभी घर में कल से कुछ चीज़ें होते रहेगा, तो जो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है ना तो वहाँ जो 20 दिन जाएंगे ना, 20 दिन ऐसा पढ़ेंगे जैसा हम कभी पढ़े ना थे। खुद के लिए मोटिवेशन था। बाकी चाय का ऑर्डर लगा चुके हैं, यहाँ पे आए चले सुधा डेयरी के जस्ट बगल में, बड़ा सही चाय बनाते हैं भैया। आंटी का मिट्टी का ग्लास कहाँ गया बताइए, इस तरह पीने में नहीं बनता, एकदम हमसे हमेशा गिरता है चाय। इतने आधा घंटा से पता है हम अपने मित्र का वेट कर रहे हैं, वो अभी तक आ ही रही है। पता नहीं कैसे आ रही है कि आ ही नहीं पा रही है। अभी भी कॉल करके बोल रही है हम चौक पे हैं, और हम पिछले आधे घंटे से यहाँ चौक पे खड़े हैं, अभी तक नहीं आई। कैसा आती है कि आ ही नहीं पाती बताओ। चीयर्स चीयर्स, कितना दिन के बाद भागलपुर में चाय पी रहे ऐसे चीयर्स करके। कैसा लगा हमसे मिलकर बताओ। बहुत अच्छा। हाँ देखते हैं, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद, क्या पता बीच में हम आ जाए फिर से। हम पता है इसके लिए कुछ लेके आए तो घर में छोड़ के आ गए। कोई ना, जिस दिन जाने वाले रहेंगे उस दिन उसको ट्रेन पर दौड़ाएंगे, वाला गाना गाते हैं बताओ। उधर कौन सा गाना था, सिमरन को भगाओ, मैं सिमरन ऐसे रो रही है। मुढ़ी मिला के लाई थी पापा लोग के लिए, तो पापा ले मुँह में पूड़िया, हाँ मेरे भैया मिलकर पूरा सपाट चट कर दिया। क्या मेरे गाइस को भी तो पता चले मम्मी क्या बात कही। मम्मी बोली क्या, ये साड़ी मेरे लाइफ का पहला ऐसा साड़ी था जो बहुत महंगा लिए थे हमने, दूस दिए मम्मी को, ये वाला साड़ी तुम नहीं पहनेगी। कल वो नहाए खाए में हम लोग बोले ना गंगा जी जाएंगे, तो सीख ले मम्मी कपड़ा निकाल रहे, पता है अभी हम बैठ के वीडियो एडिट कर रहे, तो बोलती कपड़ा निकाल के, तो पहले कपड़ा निकाल के, तो वही मम्मी वाला साड़ी निकाल, बोले मत पहना हमको तुम्हें पसंद है। तो वही बोलती है मेरे लाइफ का ये पहला साड़ी था जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट किए थे, 1250 रुपए याद है अभी भी। तो वही बोल रही है कि हमको उस टाइम लग गया था, अरे बाप रे इतना पैसा लगा, हम क्या पहनेंगे यार मम्मी, कुछ पहन लेंगे ना रहने दो। बाकी गाइस हम वहाँ से आने के बाद कंटिन्यू दुकान में थे, देखते इतना टाइम हो गया, हम दुकान में थे, गुड़िया दीदी इतना देर से बैठ के पढ़ाई कर रही थी ना। गुड़िया दीदी, गुड़िया दीदी का ठीक हो गया ये, गुड़िया दीदी किसी ने किए सुबह से कब किए रे, तो उस टाइम वीडियो नहीं बनाया था, वीडियो के सामने भी देखना जरूरी है कि नहीं। गुड़िया मेरे हाथ देखो, कितने दिन के बाद अब कलावा पहने, कितना टाइम हो गया, बहुत दिन हो गया। हाँ बूढ़ानाथ मंदिर, तुमको मिच कर रहा था मैं। गाइस आज से मेरी बस तीन बहन है, सोनू दीदी, रीमा दीदी और मानो, चौथी बहन नहीं मेरी आज से, नहीं मेरा ब्रेकअप हो गया आज से। मम्मी मेरी एक ही कोई बहन है, मेरा बस एक भाई, भैया तो देखेंगे मम्मी, भैया दिखाओ। बोलती है तुम्हारा दिवाली का ब्लॉग आज है टीट, मिनी ब्लॉग ना हम आज डाले इंस्टाग्राम पे, आप लोग देखे होंगे, देखे हो ना कमेंट में बताना। देखिए देखिए यार, पता है फोटो क्लिक करते ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है फोटो क्लिक करेंगे तो उसको देखेंगे कभी नहीं, फोटो दे रहे हटो ना हटो, मेरी कोई बहन नहीं। कैसा लगा नाक में उंगली क्यों डाल रही है मेरी, तुम मेरे नाक में उंगली क्यों, किसका है, अरे किसी का होगा मम्मी, किसका है, उसका है, मेरी मम्मी, मेरी कुटी कुटी मम्मी। और घर पे छठ का क्या क्या तैयारी हुआ हम आप लोगों को दिखाते हैं, क्या क्या आया। ठीक है, ये वाला जो मेरा रूम था एक्स रूम, इसमें बस छठ का ही सामान रखा हुआ है। देखिए नारियल आ चुका है, इधर केला आ चुका है, टावा नींबू आ चुका है, इधर क्या है गेहूं आ चुका है, जो कि खरना वाले दिन मतलब इसका इसको ही धोया जाता है ना, और बर्तन वगैरह जो निकला है ये सारा उसी के लिए निकला, मतलब जितना भी इधर बर्तन दिख रहा है। और भी धीरे धीरे होते रहेगा, हम जैसे बोले थे ना आप लोगों को वो केला का खानी वगैरह, अब देखो वो कल आता है या परसों आता है, परसों तो नहीं कल ही आएगा जो भी आना होगा, भगवान करे तो तुम्हारा बोला हुआ वर्ड जल्द ही लग जाएगा। बुढ़िया बोलती है 14 मिलियन हो जाएगा, बोलती है दीदी तुम जब दिवाली का वीडियो डाली उसमें कि 14,000 व्यूज आ गया, वही बोले 14,000 तो नहीं आया, 1400 भले आया। हाँ रखो ना, हम ट्राउजर लेना पड़ेगा, क्या बोली मम्मी, तुम भी आधा कपड़ा निकाल, बोलती यही तो नहीं पहनेगी, अरे निकाल के तेरा ट्राउजर दे रहे हो रूम में रखा हुआ है, ट्राउजर व्राउजर नहीं, बोलते टांग का कहाँ गया, बस ऐसे पहनेगी कुर्ती। नाश्ता, ये है लंच,
जिसमें से हमको ये नहीं पसंद है, लेकिन ये खा रहे हैं किसी तरह, साथ में चटनी बहुत टेस्टी बनाई गुड़िया। सबका डिनर चल रहा है गाइस। ये सुनो ना गाइज, आप लोगों से ना एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज जब तक मेरे ब्लॉग्स में गुड़िया आ रही है ना, आप लोग प्लीज तारीफ कर दिया करो यार। आप लोगों ने तारीफ की और गुड़िया बैठ के साइड में शांति जगह में आके मेरे ब्लॉग्स को देख रही है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा बात है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा तारीफ कर दिया करो यार, झूठा तारीफ भी चलेगा बट प्लीज कर दिया करो यार। ऐसा क्या हो गया? टिफिन और तो बोतल लेके आई अपना, ये बोतल मेरे लिए ट्राइपॉड का बात हम नहीं कर रहे थे, वो रेड वाला जो ट्राइपॉड था ये तो आयुष दिया था हमको, तुम जो दी थी वो रेड वाला था। हाँ, अंगना में सैया स्विमिंग पूल बना भैयो, यो अंगना में सैया स्विमिंग पूल बनाएंगे। छोड़ो गाइस ये सब छोड़ो, मेरा चैट जीपीटी जब तक वर्क कर रहा था हम सोचे कि चलो व्लॉग से बना लेते हैं। भाई मेरा दिमाग गजब गजब का पागल हो रहा है, हम कैसे करें यार सब कुछ। मेरा पता है 25% गुड़िया बोलती है एटलीस्ट 25% करो, मेरा 2% भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। अभी हम इकोनॉमिक्स लेके बैठे, मेरा फिर से दिमाग सटक रहा है हम कैसे करें। भाई इतना ज्यादा बड़ा सिलेबस है ना, इतना ज्यादा मॉड्यूल्स है कि आदमी ऐसे पागल हो जाएगा मेरा। हम सोच के रखे थे कि हम सारे को एटलीस्ट हम सबका नोट्स बना लेंगे तो यहाँ से जाके पढ़ेंगे, बट हम मेरे ये भी नहीं हो पा रहा। और आज हम 2 बजे तक पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि मम्मी पहले ही बोल के गई है कि कल हम तुम लोगों को 4 बजे उठाएंगे क्योंकि घर पे पोछा करना है और कल सबको जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए। पता नहीं कैसे करेंगे यार, फिर उसके बाद कल से तुमको एकदम टाइम नहीं मिलेगा, जो आज तुम बैठ के पढ़ रहे हैं पता नहीं कैसे होगा। बाकी चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह 4:30 बजे ना, आप लोगों से मिलेगा 8:30 बजे ही, बट हम उठेंगे कल 4:30 बजे। कैसी हो गई है, कैसा लग रहा है तुम्हारा पढ़ाई, कैसा चल रहा है? फट रही है दोस्तों। गाइस इसकी फट के 4 हो चुकी है और मेरी 1000 हो चुकी है क्योंकि जैसे ही मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसा एग्जाम पेपर आने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन होगा। इंटरनल्स हुआ है बट इंटरनल्स में तो चैट जीपीटी ने लिख देता है। ऑनलाइन हुआ था? नहीं, इंटरनल्स तो इंटरनल्स होता है ना, वो इंटरनल्स मतलब अंदर की बात है, वो नहीं बता सकते तो कुछ नहीं है तो हो जाता हाँ, है हाँ वो केस स्टडी वगैरह ऐसे करके कुछ आएगा, केस स्टडी आएगा और बस केस को स्टडी करना है, अपना केस को स्टडी नहीं कर पा रहे। पता नहीं क्या होगा यार, कैसे होगा मुझे नहीं पता, बस खुशी इस बात का हो रहा है कि कल से छठ पूजा स्टार्ट होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है ना भैया। पढ़ाई लिखाई जाए चूल्हे में, कल से छठ पूजा इस चीज का खुशी होना चाहिए, है कि नहीं? इसी के लिए तो आए, पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे बेशरम की तरह, 45 क्लास छोड़ रहे और क्या बोले भाई। 6 महीने का सेमेस्टर 4 महीने में कंप्लीट कराया जा रहा है, एक एक दिन में 7 क्लास 8 क्लास ऐसे करके लिया जा रहा है, भगवान जाने क्या होगा हमारा। चलिए आप लोगों से मिलेंगे इसी के साथ कल सुबह 8:30 बजे एक और नई शानदार ब्लॉग्स के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे ब्लॉग्स में अपना प्यार भर भर के बरसाते रहिएगा यार। आप लोग बरसात हो यार, बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई और दुकान के काम और सारे कुछ से टाइम निकाल के बहुत मुश्किल से वीडियोस एडिट करते हैं, डेली व्लॉग्स बना पाते हैं, मतलब अच्छा लगता है हमको, ऐसा नहीं है, मतलब हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को बहुत मेहनत लगता है, बस आप लोग ना थोड़ा सा अपना प्यार दिखा के मेरे उस मेहनत को सफल कर दो। हम लोगों ने प्लान किया था गाइस, हम दोनों रात में डेली मिल बांट के पढ़ाई करेंगे, देखते हो पढ़ाई करने वाले बच्चे को, पढ़ाई करने वाले बच्चे फोन से पढ़ लेते हैं क्या, हमें क्या, हम तो लैपटॉप से पढ़ते हैं गाइस। देखते हो कितना जल्दी टाइम जा रहा है यार, 11 बजे बैठे थे, देख रहे हो 12:30 बजने वाला है और अभी मेरा 2 ही टॉपिक भी नहीं हुआ है कम्प्लीट, अभी हम कर रहे थे रिटर्न टू स्केल। अपने पढ़ाई लिखाई को ना थोड़ा सा फुल स्टॉप देते हैं क्योंकि कल हमको 4 बजे उठने का और 12:30 यहीं पे बच चुका है। अभी अगर 2 घंटे के लिए भी नहीं सोएंगे ना तो कल हम टाइम पे उठने पाएंगे और कल बहुत सारा काम है, और था 4 बजे के बाद हम सो भी जाते तो इस लड़की की वजह से हमको कल वापस से मार्केट जाना पड़ेगा। इसका कुर्ती का जो है ना फरमाइशी अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको अभी कुर्ती खरीदना ना गुड़िया, बोले मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। बेशरम 2 कुर्ती दिलाए, थोड़ा सा शर्म कर लेती, 2 कुर्ती दिलाए तुमको, एक कुर्ती सेट और एक कुर्ती वाला टॉप, अगर थोड़ा सा भी शर्म होता कि दीदी इतने प्यार से लाई। और हम जो ब्लैक कलर का कुर्ती सेट लिए थे ना वो हम नहीं पहन पाएंगे, उसमें क्या बोलते हैं छठी मम्मी बोली जो प्यार से दी थी आज तक पहन। ओ प्यार, मेरा प्यार, थैंक यू सो मच प्यार दिखाने के लिए। सुनी वो जो ग्रीन वाला जो कुर्ती, ग्रीन हरा जो भी कहते हैं तुम्हारे लिए सेट वाला, नहीं अभी रिटर्न भी नहीं हो सकता, ये कोहनी मार देंगे पेट में, बेशरम लड़की है। अब हम कैसे ले, हमको बहुत बड़ा मीडियम साइज है वो, हाँ तो बोले ना कि वो हम लोग ना खरना वाले दिन पहन लेंगे ओके। ये चीज पहले बोलना होता है, अच्छा लगे या नहीं लगे बाद में नहीं, ठीक है? खरना वाले दिन
मुझे 4 बजे उठना है, अब बहुत पढ़ ली। तुम आज पढ़ रही है, तुम आज 7 बजे से बैठ के पढ़ रही है दुकान में बैठा के, हमको थोड़ा पढ़ाई नहीं पूरा है। राइटिंग देखे ना इसका, तितली की तरह लिखती है, मैं तितली नहीं क्या बोलते उसको, चींटी जैसा कुछ उन समझ में आएगा।